कल्प में आपका स्वागत है। मैं सुधीर और आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ ITSA मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड जो हमारा कंपनी है, हमारे कंपनी ने फाइनली जो है हमारा IPA का एप्लीकेशन लॉन्च कर चुका है और वो लॉन्च जो है फाइनली ये 7 तारीख आप देख सकते हो, 7 जुलाई जो है 2023 को ये लॉन्च हुआ और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं क्योंकि हर किसी को जो है अपने सर्विस के ऊपर, क्योंकि आज से नहीं 2 साल 5 साल 10 साल से लोग जो सर्विसेज यूज कर रहे हैं और सर्विसेज यूज करने के बाद कोई बेनिफिट नहीं मिला है। तो आपको मैं बता दूँ इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको अप टू 13% का जो है आपको बेनिफिट होने वाला है, डिस्काउंट मिलने वाला है, कमीशन मिलने वाला है, तो आप जो भी समझ सकते हैं। लेकिन इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो भी सर्विसेज आप यूज करते थे, मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज से लेकर सारे चीज़ों के ऊपर, तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप जो है किस तरह से जो है आप ITSA का जो है IPA का एप्लीकेशन को आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर में जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर जो सर्च ऐप का ऑप्शन है तो इसको आप क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन रहेगा गेम का, ऐप का, ऑफर्स का, बुक का, तो एप्लीकेशन में आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि जो है एप्लीकेशन आपके पास आए। तो इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या करना है, ITSA जो हमारा ITSA है इसको आपको क्लिक करना है, ITSA को लिखना है और आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करोगे आप एप्लीकेशन को थोड़ा सा पहचान लीजिए, ये जो है ITSA IPA का एक आएगा, 26 MB का है अभी, बाकी अपडेट होते रहेगा तो हो सकता है बढ़ता जाए, ठीक है। तो ये जो अपना लोगो है ITSA का, इस लोगो को आपको इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो है आपका शो करेगा, तो इसके बाद जो है आपको इंस्टॉल में क्लिक करना है। जैसे इंस्टॉल में क्लिक करेंगे ये इंस्टॉल होगा, तो इंस्टॉल होते तक जो है थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और ये एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल हो चुका है। आप कर लेते हैं ओपन, तो ओपन में आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ओपन में क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो परमिशन है ये परमिशन को अलाउ कर देना है, मतलब ऑन करना है, और उसके बाद जो है सबसे ऊपर में है वो क्लिक कर दीजिएगा, फिर लोकेशन परमिशन को ओपन ऑन कर दीजिएगा, फिर जो है ऊपर वाले को क्लिक कर दीजिएगा, तो इस तरह से जो है अलाउ कर दीजिएगा। और ये तीनों का तीनों अलाउ करने के बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। अब जैसे आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे इसके बाद आपका नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, आप स्किप भी कर सकते हैं, नेक्स्ट कर दीजिएगा, ताकि जो है जो हमारा सर्विसेज है क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट होता है वो सारा चीज शो करता है। अब आते हैं स्टार्ट पे। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो है इंटरफेस आएगा वेलकम का, लेकिन आप सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें आपको जो है साइन अप करना है। तो साइन अप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डोंट हैव ए अकाउंट करके जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहला, अगर आपने एक बार भी अगर रजिस्ट्रेशन मतलब साइन अप नहीं किया है तो सबसे पहले आपको साइन अप कर लेना है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद ही जो है आप ID मतलब यूज़र ID, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर अपना साइनअप करना है, तो इसमें क्लिक हेयर में आपको क्लिक करना है। क्लिक हेयर में जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे जो है क्रिएट अकाउंट का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जो है आपका एंटर नेम डालना है। अब जैसे यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ सुधीर लोहार करके यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे आउटलेट नेम जो है आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं ITSA भी लिख दे रहा हूँ, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर की बात करें, जो मोबाइल नंबर आपका चलता है, हो सके तो जिसमें व्हाट्सअप है वो नंबर डालिएगा। ये मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिए। यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, जो आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। उसका एड्रेस जो है, जो आपको जहाँ का एड्रेस है वही डालिएगा, बाद में अपडेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालना है, जो भी आपका पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिएगा। दोबारा मैं वेरीफाई करा दे रहा हूँ कि ये सबसे पहले अपना नाम डालिएगा, उसके बाद जो जो है कुछ भी आपका जो शॉपी होता है, दुकान होता है, ठीक है, आउटलेट करके, उस आउटलेट में कुछ भी आप डाल सकते हो अपने दुकान का नाम, तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उसको भी डाल सकते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पे ईमेल आईडी डालिएगा, फिर अपना जो एड्रेस होता है एड्रेस डालिएगा, फिर यहाँ पे पिन कोड डालना है, उसका क्रिएट अकाउंट में क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट में क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए लोडिंग हो रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, और यहाँ पे देखिए यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली करके आ गया, ओके कर दीजिएगा। जैसे आप ओके करेंगे ना, ओके करने के बाद मैं आपको बता दूं, जो हमारा कंपनी का सपोर्ट नंबर है उस सपोर्ट नंबर पे आपको जो है कंपनी के माध्यम से मैसेज आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे जस्टली मैसेज आ गया, ठीक है, ऐसे भी आया हुआ था, मैंने दूसरे नंबर पर चेक करा था। अब यहाँ पर आप देखोगे जो ये वाला नंबर है, ठीक है,
ये वाला जो नंबर है यहाँ पे रजिस्टर जो हो चुका था, यहाँ पे यूज़र आईडी जो है यहाँ पे शो कर रहा है, जो मोबाइल नंबर है वही यूज़र आईडी है, और पासवर्ड में देखिए जो AWRVTCN3 ये हमारा जो है पासवर्ड है। तो इसको जो है आपको कॉपी कर लेना है, और इस तरह से कॉपी कर लीजिएगा, आपका मोबाइल नंबर ही आपका जो है रहता है। तो इसको जो है मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा 7899663820, और जो पासवर्ड है इस पासवर्ड को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। इसको हो सके तो कॉपी कर लीजिएगा इस तरह। आप जब कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड में फिलअप कर देंगे। पासवर्ड में जैसे आप फिलअप करोगे, अब उसके बाद जो है यहाँ पे रिमेंबर पासवर्ड करके यहाँ पे क्लिक कर देना है, और इसको क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन करना है। आपका जो है लॉगिन हो जाएगा। जैसे लॉगिन होगा इसके बाद आपको पिन के लिए जो है मांगेगा, इसको हटा दीजिएगा। अब पिन जो है यहाँ पर जनरेट करना है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे जो है आपको पिन क्रिएट करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे क्रिएट करके ऑप्शन क्रिएट में क्लिक करेंगे। तो जैसे क्रिएट में क्लिक करेंगे यहाँ पे क्या मांग रहा है, ओल्ड पासवर्ड, आपका जो पासवर्ड है जो कंपनी के माध्यम से जो पासवर्ड आया उसी को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे पिन जनरेट करना है। तो पिन जो है आप जो भी जैसे ATM का पिन होता है उस तरह से पिन जनरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 कर दे रहा हूँ, और 4 डिजिट का आप डालिएगा यहाँ पे कन्फर्म करके 1 2 3 4 यहाँ पर मैंने डाल दिया, और उसके बाद चेंज पिन करके जो है यहाँ पे चेंज पिन पासवर्ड करके ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे क्लिक कर देंगे, अब देखिए पिन चेंज सक्सेसफुल्ली हो गया। ओके, अब इस तरह से जो है आपका आएगा। इसको अभी कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे अभी के लिए फ़िलहाल अगर देखा जाए, अभी जस्टली जो है हमारा आई पे लॉन्च हुआ है, तो इतना आप जो है रजिस्टर करके रखिए। बाकी जो भी हमारा डिटेल है इस तरह से आएगा, तो यहाँ पे आप कट कर लीजिएगा, वेरिफिकेशन बाद में करना है। लेकिन अभी अगर देखा जाए इस तरह से आप फाइनली जो है रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर करके रखिए। बाकी जो भी होगा अपडेट तो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी मिलते रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन तौर पे सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।